होते हैं कवरिंग इलेक्शन प्राउड। पहले मैं शुरू करूंगा अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस पार्टी का ये पहला इलेक्शन है पार्लियामेंट का। हमने दो जगह से कैंडिडेट्स फील्ड किए हैं, श्रीनगर की कॉन्स्टिट्यूएंसी से मोहम्मद अशरफ मीर साहब, जैसे आप सब जानते हैं, और साउथ अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जफर इकबाल मनहास साहब। नॉर्थ में, कश्मीर में हमने कैंडिडेट फील्ड नहीं किया है, और मुझे आज खुशी होती है कहते हुए कि वील बी एक्सटेंडिंग सपोर्ट टू पीपल्स कॉन्फ्रेंस लेड बाय सजाद गनी लोन इन द नॉर्थ। पिछले चार साल में, खासकर 5 अगस्त 2019 के बाद, जैसा आप सब जानते हैं, ये वाहिद जमात है, ये वाहिद वो ग्रुप ऑफ पीपल है या पॉलिटिशियंस है जो सामने आए, फिर एक जमात बनी, और ये जमात किन हालात में बनी आप सबको पता है। हमने चार साल में पीछे की तरफ नहीं देखा। लोगों ने पहले पहले तो बहुत कुछ सुनाया, लेकिन बाद में इतना मोहब्बत दिया कि आज अगर आप देख रहे हैं कि एक पॉलिटिकल फोर्स अगर इमर्ज हुआ, वो लोगों की मदद से इमर्ज हुआ, और शायद ये जितने साथी आप देख रहे हैं, ये जितने लोग आप यहाँ देख रहे हैं, ये 18 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ नॉर्थ की हैं, सब 18 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ नॉर्थ की हैं, जिनके ये कॉन्स्टिट्यूएंसी हेड्स हैं वहाँ के। तो लोगों के प्यार और हमारी मेहनत, इन सब लोगों की मेहनत से आज शायद पॉलिटिकल पार्टियों को लगता है कि इनका सपोर्ट भी ज़रूरी है। मैं इसका श्रेय लोगों को देता हूं और इन अपने साथियों को देता हूं, जिनकी वजह से हमारी एक पहचान लोगों में बनी है, चाहे शहर श्रीनगर कॉन्स्टिट्यूएंसी श्रीनगर हो, साउथ हो, या राजौरी हो, या पुंछ हो, या जम्मू हो। मैं लोगों से दरख्वास्त करना चाहता हूं, क्योंकि आप आज यहां हैं, एक बदलाव लाने की ज़रूरत है। एक जो सियासत यहाँ रिवायती सियासत रही है, जो इमोशंस की सियासत रही है, मैं मानता हूँ हम सभी शायद कहीं ना कहीं जिम्मेवार हैं, लेकिन अगर हम 70 साल को भूल भी जाएं, कहें कि 70 साल हम सब आवारा गर्दी में रहे, लेकिन ये 5 साल तो कोई नहीं भूल सकता है। 5 अगस्त 2019 के बाद कोई भी जम्मू कश्मीर का वासी नहीं भूल सकता है कि जो सियासी लीडरान थे उनका रोल क्या रहा। और मुझे आज अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर ये जमात नहीं सामने आई होती, तो शायद लोगों की आवाज़ 5 अगस्त के बाद जैसे 3 महीने कहीं सुनी नहीं गई, कोई किसी का पता नहीं था कहाँ कौन है, शायद आज तक लोग इंतज़ार में ही होते। मैं इस मौके पे लोगों को मुबारकबाद ही देना चाहता हूँ कि आप में से ही, आपके ही लोग निकले, और जो हुकूमत हिंद ने 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया 370 हटाने का, जिसमें सबसे बड़ा असर हमारे लोगों नौजवानों पे पड़ रहा था कि जम्मू कश्मीर की नौकरियां, क्योंकि गिनी चुनी सरकारी यहाँ प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं, वो भी हमें पूरे हिंदुस्तान के साथ शेयर करनी थी। हमारी ज़मीनों का मसला था कि यहाँ जम्मू कश्मीर की ज़मीनें कोई नहीं खरीद सकता था, हमें एक अपनी कल्चरल आइडेंटिटी थी, रीजनल आइडेंटिटी थी, तो उसका भी खतरा था। मैं इन साथियों को मुबारकबाद ही देता हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद ही देता हूं। हम जब गए दिन के उजाले में, वज़ीर आज़म हिंद से मिले, होम मिनिस्टर से मिले, हम इस चीज़ से नहीं डरे कि हमें क्यों जाना है, हमें क्यों मिलना है, हम भी क्लैंडेस्टाइनली मिलना का डिसाइड कर सकते थे, लेकिन चूंकि हमें लोगों के मसले थे, अपना कुछ लाना नहीं था। अब सब जानते हैं, हमने ज़मीनों का भी प्रोटेक्शन लाया और जॉब्स का भी प्रोटेक्शन लाया। अल्हम्दुलिल्लाह, मुबारकबादी इस कौम को जिसने हम पे भरोसा किया, एक वोट नहीं अभी तक दिया उस चीज़ के लिए, हमने मांगा भी नहीं। उस वक्त भी जब हम निकले, हम फी से बिल्ला निकले थे अपने लोगों के लिए। आज भी हमारी सियासत फी से बिल्ला है, कोई हम पावर के नहीं है कि भूखे नहीं हैं, लेकिन ये ज़रूर है
कि ये जो रिवायती सियासत है, जो रिवायती सियासतदान है जिन्होंने इन 5 सालों में भी बहुत गंदा रोल किया जम्मू कश्मीर के लोगों को लेकर। 5 साल के लिए हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस के 3 उम्मीदवारों को पार्लियामेंट में भेजा। 5 अगस्त 2019 जब हुआ, 5 MP थे कश्मीर से ताल्लुक़ रखते, 3 नेशनल कॉन्फ्रेंस से, 2 PDP से। क्या किसी ने इस्तीफ़ा दिया? नहीं दिया। अगर उन्होंने दिया होता शायद अपनी पार्टी बनने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। क्यों? वो एक ऐसी आवाज़ जाती पूरी दुनिया में कि देखो साहब, जम्मू कश्मीर के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उस डिसीजन को जो भारत की सरकार ने एक मेजॉरिटी से लिया। मैं नहीं मानता हूँ कि जब भी मेजॉरिटी उनके पास थी तभी लिया, उन्होंने नहीं किया। चलो, हमने भी सोचा कुछ दिनों तक कि शायद वो वहाँ इसलिए रहे कि बात करेंगे, लेकिन कोई बयान भी नहीं बोल कहा गया, कभी कोई बात नहीं की गई। हमने सोचा चलो, हमारे कुछ लोगों को तो 2870 लोगों को तो हमने लाया रिहा करके जब हम गए प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर से मिले, लेकिन अभी भी 1400 बच्चे हैं, जिनमें से 7-750 बच्चे ऐसी जगहों पर जिनको 1 घंटे के लिए दिन की रोशनी दिखाई जाती है। क्या उनको वापस नहीं लाना है? क्या इन लीडरों ने कभी नहीं सोचा? क्या इन MPO ने ये नहीं सोचा ये ज़रूरी है कि उनकी बात करें? क्या फ़र्क पड़ती अगर वो वैसे वहाँ पार्लियामेंट हॉल में ही होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर से मिलते थे, उसी में ये बात कर सकते थे। लेकिन नहीं हुआ, ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी एक को छुड़ाया। चलो, ये भी नहीं उन्होंने किया, इसमें भी वो नाकाम रहे। क्या कोई प्रोजेक्ट उन्होंने लाया जिसके लिए MP जाते हैं? मैं नहीं कहता हूँ कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 10,000-20,000 लोग लगे। अल्लाह का एहसान रहना चाहिए, अगर हम लोग कहीं आए तो आप प्रोजेक्ट वैसे देखेंगे, लेकिन उन्होंने तो 100 लोग नहीं लगाने का कोई प्रोजेक्ट नहीं लाया। तो फिर किया क्या 5 साल? क्या ये हमें हक नहीं है जम्मू कश्मीर के वासियों की हैं हम कि उनसे पूछें नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों किया क्या, तनख्वाह लेने के बिना किया क्या? अगर कुछ नहीं किया तो फिर किस लिए वोट दे दें? मैं लोगों को कहता हूँ किस लिए वोट दे दें? जो हमारा काम करेगा उसको वोट चाहिए, उसको वोट मिलना चाहिए, जो नहीं करेगा उसको किस लिए वोट चाहिए? आज ये कहेंगे अब हम करेंगे, क्या करेंगे? 5 साल वही थे। फिर जैसे इंडिकेशंस आ रहे हैं, जैसे आप ही मीडिया वाले सब कह रहे हो रोज़ कि शायद भाजपा की सरकार वापस आ रही है, जब ये पहले उनसे कुछ नहीं करा सके तो आगे क्या कराएंगे? अब ये कहते हैं जी हम एक जमात का हिस्सा है, एक अलायंस का हिस्सा है, जिस अलायंस का लीडर कहता है मेरा बैंक अकाउंट बंद है, मैं बैंक अकाउंट नहीं खोल सकता हूँ। भैया, मेरे तो 1400 बच्चे रहा होने, मेरे तो 37,000 वेरिफिकेशन पेंडिंग है, मेरी तो 5,500 उन बच्चों की वेरिफिकेशन पेंडिंग है जिनको नौकरियाँ कंपटीशन से मिली है, मेरी तो स्टेटहुड अभी बाकी है, मेरा तो एस्पा उठना है, मेरे तो कितनी चीज़ें बाकी है, मैं तो अपने लिए नहीं निकला हूँ, और मुझे अगर लोगों के लिए काम पूरे करने हैं और इस अपनी पार्टी के कोर एजेंडा को फुलफिल करना है। कोर एजेंडा तो हमारा यही था ना, प्रोटेक्शन ऑफ जॉब्स, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स एंड रेस्टोरेशन ऑफ द स्टेटहुड। तो मैं सपोर्ट चाहता हूँ अपने लोगों का इन मकासद को पूरा करने के लिए, और इन मकासद को अगर कोई और भी पूरा कर सकता है उसको हम सपोर्ट देंगे। तभी हमने डिसाइड किया कि हम सज्जाद साहब को सपोर्ट करेंगे। सज्जाद साहब भी एक नई सियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर रिवायती सियासतदानों को मेरा मशवरा बिन मांगे मशवरा मैं दूंगा कि अपने आप को रिटायर करो, शायद आप लोगों के साथ वफा नहीं कर सके, वो वफा का वादा निभा नहीं सके, हमें अमन से जीने दो। नहीं, हमारे नौजवान के दिमाग में ये डालो कि 100 साल की जंग लड़नी है, हमें कोई जंग नहीं लड़नी है। हमारा मुकद्दर 47 में डिसाइड हुआ, हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान के साथ लिखा गया है, और मैं आज भी कहूँगा, बार बार ये कहूँगा, हाँ गांव भी दिल्ली ने दिए, मदावा भी उनसे ही मिलेगा। मदावा ना लंदन में मिलेगा, ना वॉशिंगटन में मिलेगा, और ना इस्लामाबाद में मिलेगा। तो मैं पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को अपील करता हूँ कि हमारी जमात जिसने दिखाया है कि हम
एक दिन भी घर नहीं बैठते हैं, लोगों के मसले मसाइल सुनते हैं, चाहे मैं दफ्तर में बैठ के सुनूं, चाहे मैं फील्ड में जाके लोगों से मिलूं, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाके मिलूं, लोगों के मसले मसाइल ही रहते हैं। और मैं ये भी यकीन दिलाना चाहता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को, ये कोई ख़ानदानी जमात नहीं है। कल आप किसी और अल्ताफ़ बुखारी के ख़ानदान में से किसी और को नहीं देखेंगे, कोई और आम आदमी भी आ सकता है। और ये आम आदमियों की पार्टी है, हम सब आम आदमी हैं। मुझे पुख्ता है कि वो इस जमात के हक में, और जहाँ इस जमात के कहीं पर हम सपोर्ट किसी को करते हैं, उनको उनके हक में वोट दे देंगे। और हम इंशाल्लाह लोगों को वादा करते हैं, जो मैं हमेशा कहता हूँ, हमारी वजह से कोई शर्मंदा जम्मू कश्मीर का नहीं होगा, कोई भी वासी शर्मंदा नहीं होगा। हम अपने नौजवानों को इज्जत वाली ज़िंदगी चाहते हैं, उनके लिए उनका पुरवकार दिन गुजरना चाहिए। वो भी उसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में जाके अपना काम करें या सैर तफरी करें, जिस तरह कोई भी हिंदुस्तान का वह नौजवान घूमता है, जिस तरह वहाँ के नौजवान यहाँ आके घूमते हैं। वी आर वेरी बेस्ट होस्ट एंड वी एक्सपेक्ट द सेम ट्रीटमेंट फॉर आवर यंगस्टर लॉट जो बाहर जाना चाहता है, जिनकी एस्पिरेशंस सेम है जो पूरे हिंदुस्तान की एस्पिरेशंस हैं। थैंक यू वेरी मच। ओपन टू क्वेश्चंस। अस्सलाम वालेकुम। 1947 से 77 साल हो गए, क्या आज भी हमें मतलब है जो मौसी उसको स्ट्रॉन्ग करना, मुस्लिम पॉपुलेशन का जो एक अपर होल्ड होगा, हिंदू कम्युनिटी के लोगों का मंगलसूत्र भी नहीं बचेगा। अफजल साहब, अभी मैं किसी अलायंस का हिस्सा नहीं हूँ, जिस दिन मैं अलायंस का हिस्सा बनूंगा आई विल रिप्लाई। महबूबा जी के काज पर सुहाने होते हैं और सुहाने सपने उन्होंने 2019 में भी दिखाए हमें, जब उन्होंने PAGD बनाया। मैं शायद जवाब नहीं देना चाहता था, बहन है हमारी, लेकिन PAGD को तोड़ने वाली भी हुई है। एक लास्ट होप जम्मू कश्मीर के लोगों को हुई थी, शायद PAGD कोई वफा करे, बेवफा लोगों से वफा की तवक्का ना रखिए। आपको भी कहता हूँ अल्ताफ़ साहब, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं अपनी पार्टी के, आपके साथ मौजूद हैं, उस्मान मजीद साहब मौजूद नहीं? उस्मान साहब का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी यहीं है। कहाँ हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब? बांडीपोरा के। उस्मान साहब की तबीयत कल शाम को ख़राब थी, और आप जो चाहते हैं वो नहीं है, आप जो चाहते हैं वो नहीं है। वो सुनिए, वो मैं आपको बताऊंगा। दैट इज़ द डेमोक्रेसी इन दिस पार्टी, दैट इज़ द डेमोक्रेसी इन दिस पार्टी। ही इज़ माई वन ऑफ माई सीनियर कोलीग्स, और मैं आपको बताऊंगा, मेरा वाइस प्रेसिडेंट, उसको हर बात कहने का हक है, क्योंकि हाँ वो किसी की वजह से नहीं है, मैं किसी की वजह से नहीं हूँ, हम में से कोई किसी की वजह से नहीं, हम सब जब हैं तो अपनी पार्टी है। हम जब बिखरेंगे तो वो मोती बिखरेंगे, तो मोती बिखरने कोई नहीं देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं, वो अंदर की हमारी बातें हैं। ही हैड अ वैलिड पॉइंट एंड आई रिस्पेक्ट दैट सेंटिमेंट, बट देन द मेजॉरिटी डिसीजन। एक्सक्यूज मी सर, बताइए सर, बताइए, पूछिए सर। आपने नॉर्थ कश्मीर की सीट पे सपोर्ट किया है जी, तो सजादगिरी लोन की प्रेजेंस भी है श्रीनगर और साउथ में, क्या वो भी आपको इक्वली सपोर्ट करेंगे उन दो सीट्स को? अल्लाह का फजल है, उन्होंने तो पहले ही किया, वो उनका दिल मुझसे थोड़ा सा बहुत वसी है, मैं नहीं कहूँगा बड़ा है, क्योंकि बड़ा दिल होना बीमारी मानी जाती है, लेकिन भाई हम तो दोस्त ही हैं सब, हम तो भाई ही हैं सब। वैसे भी मैं किस पॉलिटिकल पार्टी के किसी के भी बोलो, सभी तो दोस्त हैं, हम तो कोई किसी के साथ पर्सनल जंग में नहीं है। कभी कभी आप लोग मीडिया वाले खुश हो जाते हो जंग कराने में, मैं कहता हूँ ना कराओ ये जंग, क्यों, हम तो एक ही हैं। तुमने शाल शाल ब्योन ब्योन टोइंग विज कोई नहीं मता कर, तो ये एक्सपोज पन पान करा कैमरा जी सर।
जो पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासतदान हैं, सियासी जमातें हैं, जिन्होंने इमोशनली हमारे बच्चों को ख़राब किया। अभी होम मिनिस्टर साहब ने जो बताया, देखिए हम सब कहते थे नामालूम बंदूक बरदार, कितने लोग हमारे दोस्त यार रिश्तेदार आपके लोग आपके मीडिया फ्रेंडली नामालूम बंदूक बरदार। पहली बार हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर ये कह रहा है, और देखिए यूनाइटेड नेशंस टेक्स केयर नोट ऑफ इट, ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ द वर्ल्ड टेक्स केयर, एमनेस्टी इंटरनेशनल टेक्स। जब होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का कहे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने फेक एनकाउंटर्स किए, तो नामालूम बंदूक बरदार की पहले बार निशानदेही हुई है। अगर क्या आज तक हम में से किसी को नामालूम बंदूक बरदार की निशानदेही हुई थी? अब वो खुदा जाने और होम मिनिस्टर जाने, क्यों होम मिनिस्टर तो ये नहीं ना बोलेगा जो एमनेस्टी में कल रिकॉर्ड होगा, जो यूनाइटेड नेशंस में कल होगा। दुनिया जिनके बच्चे मरे, जिनका कोई मरा, वो तो कहेगा, केस लेके जाएगा कोर्ट में, जाएगा ना कि मेरा साहब इस तरह बच्चा मारा है एनसी वालों ने, पीडीपी वालों ने, कांग्रेस वालों ने। तो ये तो ऐसी मजाक वाली बात तो नहीं ना कि कमरे में बोली गई, इसलिए दिन दहाड़े हमेशा ये तो आप लोगों की एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है, नहीं थोड़ी सी कम है, नहीं सुनिए सुनिए, खाने की वो रोजा था, उन्होंने खाना खाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। वैसे आप लोगों की इंफॉर्मेशन बड़ी वीक चलती है, आप तो वैसे मेरी नेबर है, कितनी बार वो मिले होंगे, मेरे पास आते रहते हैं, सब मिलते रहते हैं, इसमें क्या। सजाद साहब शायद मैंने ही बुलाया होगा उनको, शायद मैंने ही बुलाया होगा उनको, और आप में से प्रेस वालों में से भी किसी ने आपको बुलाया होगा, आप बिन बुलाए थोड़े आए होंगे। और कुछ? थैंक यू वेरी मच।